हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। भोजपुरी बातें सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना और इतने सारे आपको मजेदार चीजें मिलेंगे देखने के लिए, न्यूज सुनने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग एंजॉय करेंगे। एंड डू लाइक मी, लव मी ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर आप लोग आए हैं यहाँ पे एंड अपने कीमती वक्त निकल के, थैंक यू। एंड हाँ, इस पिक्चर फिल्म का नाम है शिकारी एंड रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये फिल्म। जैसे हर हिंदी फिल्मों में सब कुछ पाया जाता है कि एक्शन है, ड्रामा है, बट ये फिल्म थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको सब कुछ दिखेगा, रोमांस भी दिखेगा, थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, बहुत कुछ है। बट इसमें जो लव स्टोरी दिखाएंगे ना, ये लोगों को रुला देंगे। ये ऐसी कहानी है, तो ऑब्वियसली मैं तो स्टोरी अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ छोटा सा एक बोल देती हूँ कि ये जंगल में जाके कुछ लोग फंस जाते हैं एंड बहुत ही डरावनी चीज़ें हैं इसमें, तो बस यही है। तो आपके अलावा और कौन-कौन से डर इसमें है? मुकेश ओझा हमारी हीरो है और मानी भट्टाचार्य, आप सभी जानते हो उनको। और बाकी कुछ कास्टिंग के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। मुझे सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। जैसे दिनेश जी के साथ मैंने फर्स्ट डेब्यू किया है, बहुत ही अच्छा रहा, जैसे स्टार एंड उनमें इतना भी घमंड नहीं है कोई भी चीज़ों में। कि दिनेश जी को मैंने कभी भी अगर किसी भी चीज़ में टेक देने के बाद पूछती थी, सर मैंने कैसे किया, तो वो इंस्पिरेशन वाली बात बोलते थे, आपने तो कमाल का किया है, आप ही तो इसमें में हीरो हीरोइन। ये जो सपोर्ट एक मिला था ना, उसमें मुझे और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। मैंने वो निरोवा हिंदुस्तानी 2 से शुरुआत की, उसके बाद मैंने अच्छी स्टोरी चूज़ की हमेशा की मुझे कितना इम्पोर्टेंस इस फिल्म में मिल रहा है। क्रैक फाइटर भी किया, उसमें भी बहुत पवन जी के साथ अलग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पवन जी के साथ जब भी काम करने गई थी तब उनके बारे में मुझे पता था कि इंडस्ट्री पे बहुत गुस्से वाले हैं ये है, बट सीरियसली वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ऑनेस्ट पर्सन है। जो भी होते हैं मुँह के ऊपर बोलते, गुस्सा आता है इनको 2 मिनट के लिए, फिर ठीक हो जाता है, बट फनी गाय है, बहुत हंसाते रहते हैं वो। हम लोग ने मैंने काम किया इसलिए मुझे पता है, इट्स वेरी नाइस गाय। तो क्या करते हैं पवन जी के अपना पैसा बोल रहे हैं, लेकिन पवन जी कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा लोग पसंद करते नहीं उनके रिवाज वगैरह, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप साथ काम कर रही, हो सकता है वो अच्छे हों लेकिन वो बीच में इमेज उनकी अच्छी नहीं है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने एक्चुअली देखिए, हर इंसान तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो गलती होती है ना। तो मैं ये मानती हूँ, अगर जब तक मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो मेरे साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर सकते। तो मेरे लिए पवन जी या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी, अगर मैं उनके साथ बुरी हूँ तो वो भी मेरे साथ बुरा करेंगे। तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ गलत नहीं रहा। तो क्या कहना चाहेंगे कि भोजपुरी, तो आप बंगाली हैं, तो प्रैक्टिकली कितना चैलेंजिंग था ना भोजपुरी डेलिकेट यूज़ करना या भाषा बोलना, किस तरह से अपने को तैयार? भोजपुरी भाषा मैं बोल नहीं पा रही थी, जैसे विवाह में मेरे जो भी डायलॉग्स है भोजपुरी में रखा गया था, तो मैंने अपने मंजूल सर को कहा था कि सर मेरा भोजपुरी में मत रखो, हिंदी में रखो, तो मैं कम्फर्टेबल। जैसे निरोवा हिंदुस्तानी 2 में, तो सर ने वैसे ही कहा था कि हाँ भोजपुरी आपको कोई टेंशन नहीं है, भोजपुरी आप बोल लेगी। तो मुझे समझ में आती है, बट बोलने में, जैसे अगर कोई बंगाली को अगर अचानक बोलेंगे कि आप पंजाबी बोलो या कुछ बोलो, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट मैंने कोशिश किया है बोलने के लिए। हाँ, डबिंग तो कोई और तो करेंगे पक्का, तो आपकी तरह बोल नहीं पाऊँगी, मैं वेरी ऑनेस्टली बोल रही हूँ। बट हाँ, मुझे भी बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिला भोजपुरी इंडस्ट्री के, एंड बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, ऑडियंस भी, जहाँ पे भी हम लोग आउटडोर शूट करते थे कभी भी किसी भी चीज़ में तंग नहीं करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। और मुझे सबसे पहले तो मुझे दर्शकों ने इतना प्यार किया है ना, इतना सपोर्ट किया है, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, वो मेरे काम से प्यार करते हैं, तो थैंक यू आप लोगों को सबको जो आप मुझे लाइक करते हो, इतना प्यार करते हो। और आगे क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं भोजपुरी में, हिंदी में क्या? भोजपुरी में मैं एक शिकारी फिल्म कर रही हूँ, और एक रन जो लखनऊ और नेपाल में शूट होने वाला है, वो भी नवंबर में ही है, और एक वेब सीरीज़ के लिए हिंदी के लिए बात चल रही है, बट यही है अभी प्रोजेक्ट। और मैं प्रोफेशनल मॉडल हूँ, तो
मॉडलिंग तो मेरा करती हूँ। खेसारी के साथ अनुभव कैसे रहा आपका अभी? मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला खेसारी जी के साथ, मुझे काम करना है। हम लोग एक मूवी के लिए दोनों सिलेक्ट हो गए थे पर पता नहीं किसी भी कारण मैं नहीं कर पाई उस फिल्म को। बट हाँ, ऑब्वियसली मैं फ्यूचर में खेसारी जी के साथ काम करना चाहूँगी, दिल से बोल रही हूँ। पता नहीं कब होगा ये मौका मिलेगा, बट 100% भोजपुरी। भोजपुरी इंडस्ट्री देखिए मेरे लिए ना, मैं जब काम स्टार्ट करने के लिए आई थी तो मुझे बहुत लोगों ने, हिंदी भी मैंने किया है तो मुझे कहा गया था कि भोजपुरी कर रहे हो, तो भोजपुरी मेरे लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। मेरे लिए पंजाबी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक किरदार को निभा रही हूँ। हॉलीवुड में भी जैसे काम करूँगी यहाँ पर भी काम करूँगी, तो मेरे लिए भोजपुरी हो या बॉलीवुड हो इसे मैटर नहीं करता, मुझे काम से मतलब है बस। हाँ, वो चीज़ को एक्चुअली हटाना चाहिए क्योंकि हम फैमिली वाले को दिखाते हैं, फैमिली के साथ आप ऐसे पिक्चर नहीं देख सकते हो। तो वो थोड़ा सा अगर हट जाएगा, हट गए, फिल्में बहुत अच्छी अच्छी बनने लगी है, फैमिली फिल्म बनने जैसे लोगों ने देखा है, जो लोगों ने लाइक किया है, तो ऑब्वियसली आगे वाले टाइम पे सब चेंज हो जाएगा आई एम श्योर, एंड भोजपुरी इंडस्ट्री भी आगे बहुत आगे बढ़ जाएगी। दर्शकों के लिए ये बोलना चाहूंगी, जैसे आप लोग देखते रहते हो और सपोर्ट करते रहते हो वैसे ही करना। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।